बिहार में एक नामी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में सोना लूटा गया था। करीब 55 किलो सोना लुटेरे लेकर भाग गए थे। देश में सोने की सबसे बड़ी लूट, इसे कहा गया शायद ये सबसे बड़ी लूट भी थी। वारदात के बाद जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला तो लुटेरों में से एक लुटेरे का चेहरा देख पुलिस दंग रह गई। कैमरे में कैद लुटेरा सोने की लूट में कुछ दिन पहले पकड़ा गया था और जेल में बंद था। पुलिस वीडियो देखकर खुद भी नहीं समझ पा रही है कि आखिर माजरा क्या है। हमारा कॉन्टैक्ट है महाराष्ट्र से, फिर वहाँ पर हुआ था राजस्थान में, बंगाल से भी टीम आती है, उन सभी जगह हम लोगों का कॉन्टैक्ट है और वहाँ से भी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग ले रहे हैं। कितनी टीम है सर, इस तरह कुछ है, कितनी टीमें बनाई गई हैं, टीम का स्ट्रक्चर वगैरह सर की इस अभी कांड के लिए? अभी हम लोगों ने टेक्निकल चीज़ें हैं उसके लिए अलग टीम है, फिर रेड छापा मारे के लिए चूँकि बहुत सारी जगह में जा रही है तो हमारी बहुत सी टीमें उसमें बनी है, अलग अलग जिलों में जा गई भी है, कुछ गई है कुछ जा रही है, कम से कम 5 टीम होगी। अराउंड 5 देश में 2-4 लूट कांड होंगे उसमें से एक ये लगता है। पुलिस किस तरीके से चैलेंज के सोने इस तरह के नहीं, इसको एकदम चैलेंज के रूप में लिया गया। लूट कांड होने के बाद जिले में कोई विशेष किस तरह के चैलेंज नहीं, इसीलिए ये लूट हुई है बड़ी, इसीलिए हम लोग यहाँ आए भी है। नहीं तो साधारण जो नॉर्मल क्राइम होता है उसमें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सॉल्व किया जाता है। एसटीएफ की पूरी स्ट्रेंथ हम लोगों ने इसमें लगाई है इसीलिए, क्योंकि बड़ी लूट की घटना है और हमने इसको चैलेंज के रूप में लिया है। हम लोग कोशिश में है कि जल्द से जल्द इसको सॉल्व करेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोगों का भी सहयोग हमको इसमें।